तो हेलो गाइस, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे वे प्रोटीन जो कि अल्टीमेट न्यूट्रिशन का है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, सेल में सस्ता था ऑब्वियसली, और उसमें मुझे कुछ 50 कॉइन्स कलेक्ट हो गए थे, तो मैंने 1000 का वाउचर लिया उसमें और इसको मंगवाया है। सो लेट्स सी, देखते हैं कितने का था। मेरे को एक्चुअली पड़ा है ये 3400 का था, उसमें मैंने 1000 का कॉइन लगाया तो मुझे पड़ा ये 2400 का। सो क्वाइट चीप फॉर अ वे प्रोटीन लाइक दिस, 2.29 केजीज। और देखते हैं, जल्दी से ओपन करते हैं, होप कि जेन्युइन हो। इसमें फ्लिपकार्ट में ऐसा लिखा था कि रिटर्नेबल नहीं है, नॉन रिटर्नेबल है, लेकिन यार ऐसा नहीं होता है, हम लोग बिल्कुल एक्शन लेंगे अगर ओरिजिनल नहीं हुआ तो। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, ये अपना वे प्रोटीन है, इसके अंदर ही बिल दिया हुआ है, तो ये है बिल इसका। आप देख सकते हो यहाँ पे 3400 रुपये है, जो इसमें 1000 का मैंने वो लगाया, मतलब गिफ्ट कार्ड, तो मुझे सस्ता पड़ा। ओके फाइन, तो भाई ये है चेक फॉर ऑथेंटिसिटी। यहाँ पे आप जैसी क्लियरली आप देख सकते हो, इसको अपन पूरा देखते हैं अच्छे से क्या है, कैसे सिस्टम है। पहला अपन इसको निकालते हैं, लेट्स सी गाइस। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उसमें नॉन रिटर्नेबल लिखा है तो आप बिल्कुल ही रिटर्न नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप कस्टमर केयर में बात करें। इससे पहले मेरा एक स्क्रीन कार्ड आया था जो कि पूरा ही टूटा हुआ था, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी थी, तो उसको मैंने बात करा और वो नॉन रिटर्नेबल में था, लेकिन वो रिटर्न हुआ और मुझे रिफंड भी पैसे आए। अब इसलिए अगर आप ऐसी अनबॉक्सिंग वगैरह बनाते हैं तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ भाई, मतलब कि ऐसा मतलब है अपने पास प्रूफ। तो यार ये मेरे को कुछ डाउट सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये निकला हुआ है, यहाँ से गिरा हुआ है प्रोटीन इधर, आई डोंट नो क्या है प्रॉब्लम भाई। ओके वाओ, स्क्रैच हियर भी, ये पहले से ही स्क्रैच है, मतलब क्या बात है ब्रो, ये इससे अच्छा मैंने देखा ही नहीं गई, क्या बात है। तो फ्लिपकार्ट दिस वन इज़ फॉर यू, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। ओके फाइन, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, लेकिन ये तो मैंने स्क्रैच नहीं किया और ये पहले से ही स्क्रैच्ड है। हाउ गुड इज दैट, हाउ गुड इज दैट, राइट, क्या सही है। और ये पहले से, एक चीज़ और आप देख सकते हो, ये जो सील है ना, ये बाद में, मतलब ये इसके ऊपर लगाया हुआ है, मतलब ये नकली स्टिकर, ये पहले से ही लगा हुआ है, मतलब ये जो सील है इसके ऊपर ही आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो, ये जगह, ये सील डब्बे में नहीं लगा है, पहले रैप लगाया है, उसके ऊपर ही सील लगाया है, उसके ऊपर ही सील लगाया है। वाह यार फ्लिपकार्ट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो चूतिया काट दिया ना, ये तो चूतिया काट, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो अभी मैं बात करता हूँ, अच्छा ठीक है, अपन इससे पहले काम करते हैं, ये जो नंबर है, जो कोड पहले से ही स्क्रैच है, इसको अपन एक बार डाल के देखते हैं क्या ये मतलब जेन्युइन है कि नहीं। वैसे लगता तो नहीं है यार, क्योंकि पहले से ही स्क्रैच रही है, और बाकी की चीज़ें एक बार इसकी स्पेलिंग्स वगैरह आप चेक करिए। मैं ऐसे थोड़ा पॉज करके, मैं प्रो स्टार 100% वे प्रोटीन 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन सही लिखा है, उसमें भी ऐसे ही लिखा था मिक्सेस इंस्टेंटली, बाकी तो सब सही लिखा है। तो नीचे अपन बैच नंबर भी देख लेते हैं, लेकिन कॉपीज आजकल जो है ना, वो आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप इसमें कुछ बोल नहीं सकते। तो ये इसमें कुछ बैच को लिखी हुई है, और इसमें लिखा 3 साल का रहता है ये जो मैन्युफैक्चर जो उसका रहता है, तो इसको फिर भी अगर डाल के देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है चेक फॉर चेक योर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, तो इसको अपन डाल के देखते हैं। तो ये मेरे पास ये मोबाइल है, इसको मैं जल्दी से अनलॉक करता हूँ और लेट्स सी, देखते हैं। तो ये अपना मोबाइल हो गया है, खुल गया है। अब इसमें क्या बोला है चेक, उसके लिए अपने को लुक फॉर MNP लेबल। हाँ भाई MNP लेबल है, स्क्रैच कार्ड हियर, एंटर ऑन ट्रू MNP ऐप। ओके तो ट्रू MNP ऐप अपन देख लेते हैं कहाँ है ट्रू MNP ऐप।
ट्रू एम एन पी ऐप मिल गया है मुझे, तो उसको देखते हैं भाई। मसल प्रोटीन, इसका जो वो है मसल प्रो न्यूट्रिशन। लेकिन ये बहुत शॉकिंग लगा मुझे यार, ये मतलब पहले से ही स्क्रैच रहा है। इनफैक्ट मैं अभी ऑन का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया है वो, कुछ भी कुछ एकदम सही आया था वो, भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया था। लेकिन ये यार, ये कुछ बात जमी नहीं मेरे को, तो उसको अपन इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक अपन और इसमें देखते हैं और क्या क्या ऑथेंटिसिटी की जो भी चीज़ें रहती हैं, जैसे यहाँ पे अल्टीमेट रोटेशन का नीचे भी यहाँ पे रहता है तो वो लिखा हुआ है, आई कैन सी दैट, ये होलोग्राम ही जो यहाँ नीचे लिखा है अल्टीमेट रोटेशन, आई डोंट नो अगर आप लोग ये रिफ्लेक्ट जो कर रहा है ब्लू कलर, उसमें आप देख सकते हो अल्टीमेट रोटेशन लिखा हुआ है, वो देखो देखो अल्टीमेट रोटेशन। ये बार कोड भी है मेड इन USA, MNP इसका वो है। ब्राइट लाइट भी होता है, ब्राइट लाइट वो भी है कुछ, तो अपन देखते हैं यार इसको अभी, मतलब ये कुछ जम नहीं रही मेरे को बात ये, और मेरे को इसके 10 पॉइंट्स आ भी गए हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा यार, इसको रिटर्न तो मैं करूँगा ही। डायरेक्शंस ऑफ यूज़ इसका, जो अपने वो होते हैं वो फेक, वो अपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कर देते हैं, और ये तो मुझे पता है यार, फ्लिपकार्ट लगा के देते ही है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपन ये पढ़ लेते हैं एक बार, तो एक सेकंड में इसको पॉज करता हूँ वीडियो को, या फिर देखता हूँ ये डाउनलोड हुआ या नहीं। ओके, हाँ तो ये डाउनलोड हो गया, उसको फोन ओपन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं इसमें ये अपन ये नंबर डाल के देखते सबसे पहले, तो अगर ये जेन्युइन है भी तो ये खुला क्यों है, मेरे को ये चीज़ का डाउट है, और ये चीज़ मैं कस्टमर केयर से पूछूंगा। इसको अभी मैं ओपन नहीं करूंगा क्योंकि ये पहले से ही, एक सेकंड इसको खोल के देखो कैसी। ओके स्ट्रेट, ये क्या हो गया, आई थिंक ओ माय गॉड, ये खुल ना जाए यार, मेरे को डर लग रहा है। यहाँ से तो सील लगी हुई है, लेकिन ये भी अब कितना ही जेन्युइन है आई डोंट नो, ये पूरा बाहर निकला हुआ है यार, दिस इज डाउटफुल, दिस इज रियली डाउटफुल, और मैं तो यार ये टॉलरेट करूँगा नहीं। तो देखते हैं, यहाँ से तो ये सील बंद है, लेकिन ऐसा होता है ना, ये कुछ फेक लगा के भेज देते, क्योंकि वो ऊपर भी उसमें स्क्रैच हटा हुआ है, यहाँ पे कुछ 5 होल वगैरह होते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो आई डोंट नो यार ये सही है या नहीं। ऐसा एक सेकंड में ये शायद ऐप काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक सेकंड इसका ऐप डाउनलोड करता हूँ, इसमें को ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ, आप चेक कर लो, मैं वीडियो के बाद भी इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, नहीं तो काम करता हूँ इसको बंद ही कर देता हूँ। तो अपन सीधा MNP की साइट खोलते हैं, MNP की साइट खोला अपन ने, इसमें कहाँ है MPN है, सॉरी MPN टेस्ट, MPN मैंने कुछ साइट वगैरह तो दी है क्या, पता नहीं, देखता हूँ मैं एक बार। लेकिन बहुत गलत है यार ये, फ्लिपकार्ट को इस चीज़ में देखना पड़ेगा यार, ये MNP तो ये आ गया है, इसको ज़रा अपन देखते हैं कि इसमें ऑथेंटिसिटी का कहाँ पे है, इसमें कहीं दिख तो नहीं रहा है मुझे, फिर भी अपन एक बार बैक जाते हैं। ऑथेंटिकेट का यहाँ ऑप्शन है गूगल में सीधा, तो ऑथेंटिकेट ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये ऐप डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ऐप तो अपन ने पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं यार। और वो ऐप क्या है, खुल नहीं रहा है, नहीं नहीं बहुत गलत है ब्रो, इसको अपने को कुछ देखना पड़ेगा। एक से मैं इसको पॉज करता हूँ, ये डब्बा ऐसे का ऐसे ही रखता हूँ, आप देख लो यार, मैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस, ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये मेरे को क्लियरली पता चल गया है कि एक फेक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आप ये देख ही सकते हो यार, सामने पूरा फॉन्ट ही अलग है,
अगर आपको मैं ओरिजिनल, एक्चुअली मैं रिफंड का उसमें करने लगा था, तो एक्चुअली मैं करना भूल गया, सो मुझे एक्चुअली रिटर्न का करने लगा था। मैं आपको एक दिखाता हूँ इसमें एक्चुअली इसका फॉन्ट कैसा होता है, आपने देखा इसका। अच्छा ये देखो, इसमें वे कैसा लिखा हुआ है और ये मेरे को जो वे लिखा हुआ है ये कैसा है, कितना फ़र्क है यार। मतलब ये धांधलेबाजी चल रही है पूरा फ्लिपकार्ट में, मैं अभी बताता हूँ वो। इसलिए वीडियो बनाना चाहिए, इसीलिए वीडियो बनाना चाहिए। ये अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आप ये भी देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो आपका लिखा हुआ है ये पूरा फेक है। मतलब ये जिसमें ऐसा देना चाहिए इसमें ऐसा दिया, एकदम अलग ही है। मैं क्या बताऊँ ये, अब वे ये सब देख लो, इसका ऐसा मोटा मोटा सा लिखा हुआ है इसमें, और इसमें कितना प्यारा, मतलब एकदम एजी एजी सा लिखा है वे, और ये कैसा गोल गोल लिखा हुआ है। तो यार ये मैंने इसको खोला नहीं, मैं फिर भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो पॉज किया था, तो इसीलिए ताकि कुछ किसी को डाउट ना हो या मैंने कुछ किया या ऐसा। तो ये वैसे का वैसे ही है, देख लो यार जैसा पड़ा था वैसे का वैसे ही है। इनफैक्ट मैं ये मोबाइल में भी दिखाता हूँ, ये एक्चुअली मैं इसका फेक का ही देख रहा था कि इसमें अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार और जेन्यूअर फेक के बीच में रहा क्या। तो यार ये तो मतलब जितना इसमें बता रहे हैं ना, ये जो फेक प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा है उससे भी ज़्यादा फेक तो मेरा ही प्रोडक्ट है, तो मैं क्या ये बताऊँगा। तो एनीवे इसको लगाते हैं अपन ढक्कन वापस, अपन फ्लिपकार्ट से बात करता हूँ मैं, देखते हैं क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा फ्लिपकार्ट से आप कोई भी लो। आपको न्यूट्रा वे है, आपके पास हेल्थ कार्ट है, आपके पास बहुत सारे ऐसे नए नए मतलब जो आ गए हैं वो जो जेन्युइन सप्लीमेंट देते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है पूरा, तो आप वहीं से लें, फ्लिपकार्ट से बिल्कुल भी मत लो यार। मैं एकदम मतलब बहुत ही निराश सा हो गया हूँ। तो देखते हैं यार अब फ्लिपकार्ट को चमकाते हैं इस बारे में, नाटक जो चल रहा है इसलिए वीडियो बनाते हैं, इसीलिए अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं, और इसीलिए मेरा चैनल है ये, कि अगर मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ कोई चीज़ तो वो सामने सामने कैमरे के हो और सीधा यूट्यूब पे जाए। अगर यूट्यूब पे नहीं भी जाती तो मेरे पास एज अ प्रूफ है, दिस इज़ वॉट माई चैनल फॉर। तो चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप भी जान गए हो पूरा ही मतलब फेक ही प्रोडक्ट दे रहा है यार, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने ऑन का किया था, मैं आपको ऑन का भी डब्बा दिखाता हूँ एक सेकंड रुको, वो मेरे को सही आया था। तो ये मेरा ऑन का है और ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है, मैं दिखा देता हूँ कितना बचा है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है, इसीलिए मैंने मतलब वो ऑर्डर किया ताकि इसके ख़त्म होने से पहले आ जाए, और रेट भी सस्ता था। तो ये मेरे को एकदम बढ़िया आया है, दिस इज़ जेन्युइन। मैंने इसका भी अनबॉक्स किया है, मैंने सब दिखाया है, सब कुछ 29 सर्विंग वगैरह है, सब बढ़िया है इसका, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉरी 20 मैं बोल रहा, 74 सर्विंग्स है तो 24, ये बहुत सही प्रोडक्ट आया है मेरे को। लेकिन यार ये अल्टीमेट न्यूट्रिशन वाले ने तो घपला कर दिया है फ्लिपकार्ट में। चलो कोई नहीं, प्रूफ है अपने पास, लेट्स सी क्या होता है। अगर जो भी होगा मैं आपको नीचे कमेंट में बता दूंगा, नीचे पिंक कर दूंगा, अपने हाईलाइट कर दूंगा कमेंट कि क्या बात हुई मेरी फ्लिपकार्ट से, पूरे आपको लिख दूंगा, तो उसमें आप आगे का देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और मेरा प्रूफ बनने के लिए भी थैंक यू सो मच।